आई थिंक तुम्हें मेकअप की जरूरत है। कहा ना तुम्हें जरूरत है। वाओ, ये लिपस्टिक तुम पे सूट कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्या तुम इसके फेस के चोट को कवर कर सकती हो? शी इज वेरी क्लमजी। हाँ श्योर सर। सर क्या आप ये कंसीलर खरीदना चाहते हैं? श्योर, मैं पे करके आता हूँ, तुम यही रुको। वो चला गया है, यू कैन ट्रस्ट मी। ये लो वर्ड्स, जल्दी से बोलो क्या हुआ है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे पता था, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जल्दी से बोलो वो कौन है। कौन है? मैंने कंसीलर खरीद लिया है, अब चलो। सर वेट, ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज? लाउड रिमोट दो। एक लड़की मेरे पार्लर में आई थी, वो बहुत डेंजर में है। तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, अब तो तुम गई। हम पुलिस है, जल्दी दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। उन्होंने मुझे तो ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम इस सीक्रेट डोर के अंदर बंद रहो और आवाज मत करना। हमने पूरी घर की तलाशी ले ली, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो मैंने तो आपको पहले से ही कहा था। अरे व्हाट द डिस्टरबेंस सर, ये लाइट कहाँ से आ रही है? तो वहाँ से। मैम अब ठीक तो है ना? ये वही लड़की है ना? लड़की का फेस अच्छे से चेक करो। हाँ सर, मैच है। भागते कहाँ हो? मिस ये लीजिए वर्ड्स। थैंक यू। तुम्हें तो हम पुलिस स्टेशन में सिखाएंगे, चलो हमारे साथ। हाय दीक्षा, तुम लव एंजल हो ना? हाँ। क्या तुम रोहित को मुझसे प्यार करवा सकती हो? हाँ डेफिनेटली। थैंक्स। यू आर वेलकम। हे लिटिल पप्पी, तुम कैसे मर गए? मुझे एक बदमाश ने पॉइजन दे दिया था। डोंट वरी पप्पी, मैं तुम्हें ह्यूमन लाइफ देती हूँ। थैंक यू लाइफ एंजल। हे लव एंजल, क्या तुम मुझे और प्रिया को करवा सकती हो? थैंक्स। हे लिटिल गर्ल, तुम कैसे मर गई? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तुमने तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया। मैं तुम्हें ह्यूमन लाइफ देती हूँ। थैंक यू लाइफ एंजल। ओए लड़की, क्या तुम मेरा और नितिन का करवा सकती हो? क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है? हाँ वो मेरा अभी तक बहुत सारा टारगेट बाकी है, जल्दी से मुझे ह्यूमन लाइफ दो, मुझे उन लोगों को मारना है। मैं ये देख सकती हूँ कि तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, मैं तुम्हें ह्यूमन लाइफ नहीं दे सकती। तुम्हें तो कीड़े मकोड़े की लाइफ मिलनी चाहिए। क्या मुझे अपने सोलमेट से मिलने के लिए 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा? ओके। दो वेजिटेबल्स के नाम बताओ। वाओ कितना टफ है, पोटैटो एंड कैप्सिकम। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड क्या है? सिंपल। अगली सारेगा। अनजंबल दिस वर्ड। सब्सक्राइबर्स, दीक्षा तो यहाँ है, मैंने तेरे बॉयफ्रेंड राज को किसी को किस करते हुए देखा। क्या राज तुम्हें रियली प्यार करता है? नहीं करता। तुम्हारा बॉयफ्रेंड राज किसे किस कर रहा था? कोमलिका, क्या तुमने देखा राज किसे किस कर रहा था? वो मैंने नहीं देखा। हाय बेस्टी। हाय साक्षी। हाँ मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड साक्षी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी बहन चिंकी का फेवरेट फूड क्या है? सेब। क्या तुम्हारी बहन मैथ्स में अच्छी है? आई विश उसका मैथ्स अच्छा होता तो मुझे उसे पढ़ाने में इतना दिमाग नहीं लगता। नो। तुम्हारी बहन का एज क्या है? ये सारे सवाल मेरे बहन के ऊपर ही क्यों हैं? 7। तुम्हारे बहन के फर्स्ट बर्थडे में उसे क्या गिफ्ट मिला था? ये पुराने बात है, मुझे कैसे याद रहेगी। वैसे टॉय कार तो लड़कों को ही पसंद होता है, उसे बार्बी डॉल ही मिला होगा। हाँ, ओ नो। हजमोला कितनी अजीब सी बात है, मैंने काम से गलत दिया फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। दीक्षा हो सकता है कुछ बाद में हो। दीक्षा तुम आ गई? हाँ मम्मा। मम्मा मैं आपसे एक बात पूछू। हाँ। चिंकी कहाँ है? मुझे सुबह से वो नहीं दिखी। ये चिंकी कौन है? चिंकी मम्मा मेरी बहन। दीक्षा क्या मजाक कर रही हो, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मतलब मैंने जो सुबह गलत आंसर दिया था उसके बदले चिंकी। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो, तुम्हें इन वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है ना। सुनो, तुम्हें आज मार्केट जाना होगा। तुमने जो कल ड्रेस लाया था मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, तुम जाओ और इसे चेंज करके आओ। क्या रिटर्न करना है आपको? ओके मैम, मैं ये ड्रेस रिटर्न कर देती हूँ। क्या हुआ मैम, आप मुझे कुछ बोलना चाहती हो? प्लीज हेल्प मी। ओके आपको कुछ और ड्रेस लेना है मैम, आप मुझे बहुत परेशान लग रही हो, क्या आपको मुझसे कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए? नो रिलैक्स, आप यहाँ रुकिए, मैं किसी को हेल्प के लिए बुला कर लाती हूँ। तुम क्यों कर रही हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो घर चलो जल्दी। एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वेट, 8,996 वर्ड्स? अब बताओ तुमने ये वर्ड्स कहाँ यूज किया है? I'm sorry, मैंने केशव को थैंक यू बोल दिया था। अच्छा क्या तुम सच बोल रही हो? तुमने खाने में कुछ मिलाया तो नहीं है? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा सर भारी। हेलो ऑफिसर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। डोंट वरी मैम, हम जल्दी आ रहे हैं। तुमने क्या सोचा था, तुम मेरे खाने में कुछ मिला दोगी और तुम बच जाओगी? हुँ? तुमने इतने सारे वर्ड्स कहाँ यूज किए? वेट वेट वेट, तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं ये पता लगा लूंगा। छोड़ दो, उस लड़की से दूर रहो। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, आप लोग को किसने बुलाया? थैंक यू ऑफिसर। इट्स ओके मैम, ले चलो इसे। अक्कर बक्कर बम्बे बो। दीक्षा स्टॉप, सिस्टम ने खेलना बैन कर दिया है। तुम लकी हो कि किसी ने तुम्हें देखा नहीं, आज से खेलना बंद। हे लेट्स प्ले। नहीं पर खेलना मना है ना। कैसे मारेंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई भी हमें नहीं देखेगा। ठीक है चलो खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर कट। क्या तुम लोग खेल रहे थे? नहीं हम नहीं खेल रहे थे। मैंने देखा तुम लोग खेल रहे थे, पहले किसने गेम शुरू किया? मैंने शुरू किया था। आज मेरे घर में गेट टुगेदर है, तुम आ रही हो ना?
गेट टुगेदर, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? अरे सिर्फ बातें और पढ़ाई करेंगे, नो गेम्स नो खेलना। ओके देन फिर मैं आऊंगी। थैंक यू कमलिका गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत मजा आ रहा है। हाँ है ना, चलो स्पिन द बॉटल गेम खेलते हैं। क्या तुम कितने डरपोक हो? नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ, बस मुझे मरना नहीं है। हाँ पर मैं खेलूंगी। नो क्या तुम लोग खेल रहे थे? नहीं नहीं मैं नहीं, दीक्षा खेल रही थी। तुम खेल रही थी, अब तो तुम गई। जलेबी प्लीज आज नहीं, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। ओह नो, मुझे इनी मिनी माइना मो खेलने का ऑर्डर मिला है। मैं मोंटू और दीक्षा को चूज करती हूँ। क्या जलेबी तुमने मुझे चूज किया? मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। क्योंकि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, मेरे डैडी तुम्हारे रियल डैड है। तुम्हारे मम्मा ने और तुमने मेरे डैड को मुझसे और मेरे मम्मा से छीन लिया है, इसलिए मैं पहले तुम्हें और फिर तुम्हारे मम्मा को मार देना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। इसलिए कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढा में गिर जाता है। आप सबको क्या लगता है गाइस, कमेंट्स बिलो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या अब तक मैंने कोई गलती नहीं की है? मैं इसे प्राइवेट कर देती हूँ ताकि मेरे जलकुकरी फ्रेंड्स मुझसे जेलस ना हो। दीक्षा तुमने एग्जाम में चीटिंग किया है राइट? नो सर। हां सर, इसने क्या होगा, इसलिए इसका गिल्टी स्कोर प्राइवेट है। दीक्षा अपना गिल्टी स्कोर पब्लिक करो। ओके सर। मेरा गिल्टी स्कोर पब्लिक क्यों नहीं हो रहा? गुड एक्सक्यूज। दीक्षा अब तुम टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को 10 टाइम सॉल्व करोगी, फिर ही स्कूल आना। ठीक है। आ गई महारानी, तुम्हारे सर का कॉल आया था। शेम ऑन यू दीक्षा, मुझे तुम्हें अपने बेटे बोलने पे शर्म आती है, अपने आप को सुधारो। ओके मम्मा। दीदी मैं तो दिन भर कितनी गलतियाँ करती हूँ, फिर भी मेरा गिल्टी स्कोर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? मेरा गिल्टी स्कोर 0 है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। क्योंकि मेरा भी 0 है, इसलिए मैं बिंदास मिस्टेक करती हूँ। फिर हम इसे पब्लिक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम इसे पब्लिक करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम मिस्टेक करते हैं, लेकिन हमारा गिल्टी स्कोर इंक्रीज नहीं होता। और हाँ, कभी पब्लिक बटन को प्रेस मत करना। व्हाट, मैंने तो ऑलरेडी प्रेस कर दिया। अब तो दुख गई, 24 आवर्स के अंदर ही पब्लिक हो जाएगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। आई होप मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। क्या एंग्री, अब मुझे सबसे गुस्सा होकर बात करना होगा। मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके। ओ माय गॉड दीक्षा, तुम्हारी मम्मा बेहोश हो गई है, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ओके। मम्मा चिंकी रोना बंद करो। दीक्षा तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि पापा आज का एक्सप्रेशन एंगर है। होपफुली मुझे आज क्राई एक्सप्रेशन मिले, क्योंकि मेरी बहन का डेथ अभी अभी हुआ है। हाँ स्माइल। दीक्षा तुम अपने सिस्टर के डेथ सेरेमनी में नहीं गई? हाँ, क्योंकि मुझे स्माइल एक्सप्रेशन मिला है ना, मैं वहाँ जाऊंगी तो रो नहीं पाऊंगी। ओके तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रोहन के मोबाइल में इतने सारे मैसेजेस कौन कर रहा है? ओह माय गॉड, ये तो दिव्या का मैसेज है, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मतलब दिव्या और रोहन दोनों मिलकर मुझे चीट कर रहे हैं, मैं इन दोनों को आज रुला करूंगी। गाइस क्या मुझे इन दोनों को पनिश करना चाहिए? कमेंट में यस या नो लिखे। क्या सब लोग मेरे थॉट सुन पाएंगे या मेरा बैंक बैलेंस देख पाएंगे? नो, मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरा बैंक बैलेंस देखे। सो दीक्षा मुझे मैथ एग्जाम में 100% मिले हैं। वाओ अमेजिंग, इलायची को इतने अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं मिले, कहीं इसने चीटिंग तो नहीं की है? मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे थॉट सुन सकती हूँ। ओह नो, इस थॉट की वजह से आज मैं बुरा फंसने वाली हूँ। हाँ, और मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, और आज से तुम मुझसे बात मत करना। ऐसे ही चलता रहा तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले जाएंगे। सैम सर की नोज कितनी बड़ी है, आई एम श्योर सर इतने बड़े नोज की वजह से अच्छे से नहीं देख सकते होंगे। और ये फेस पे बड़ा सा पिंपल, यू दीक्षा। यस सर। प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाओ। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। राइट, किया नहीं लेकिन सोचा है। दीक्षा तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? हाँ सर, क्योंकि मेरे थॉट से लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि लोग मेरा थॉट सुन सके। मैं रियली नहीं चाहती कि कोई भी मेरा थॉट सुने। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन दिनों तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम कुछ उल्टा पुल्टा ना सोचो। Do you want to reverse and hear everyone's thoughts? इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा थॉट सुने। Please help me. Test and freeze. Monty, ऐसा मत करो। तुमने सुना, Monty पूरे स्कूल के लोगों को फ्रीज कर रहा है और ऑलरेडी दो स्टूडेंट को मार चुका है। सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि इसके लिए उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। Monty फ्रीज। Please don't freeze me. दिशा फ्रीज टैग। बेस्टी तूने मुझे फ्रीज क्यों किया? अनफ्रीज। मैं मुझे भी अनफ्रीज करो ना। Oh no, time so. Hey, तुम ही हो ना जिसने मेरे बॉयफ्रेंड मोंटू को मारा? Oh Monty, I think so मैंने ठीक ही किया था। फ्रीज टैग। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दिशा अनफ्रीज। थैंक यू राज। रोमोलो फ्रीज टैग। नहीं मुझे अनफ्रीज करो, इसने ही मोंटू को मारा था। दिशा चलो यहाँ से। स्टूडेंट्स ये लो एक टैबलेट, जब भी तुम क्लास में एंटर करोगे ये टैबलेट खा लेना, इससे तुम्हें कोई फ्रीज टैग नहीं कर पाए। ओके मैम, थैंक्स राज मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। दीक्षा तुम्हें मोंटू याद है? हाँ, वो एक नंबर का बुली था। अच्छा हुआ मैंने उसे फ्रीज कर दिया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। व्हाट? फ्रीज टैग। हाँ, हम छोटी मोटी यार थे। जब मोंटू की गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मारना चाहा, मैंने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता था। राज मैं फ्रीज नहीं हुई हूँ। क्यों, कैसे? तुम्हें ये टैबलेट याद है, मैंने मैम से ले लिए थे। फ्रीज टैग राज। प्लीज डोंट फ्रीज मी।
चिल्ड्रन नंबर 14 याद है ना, तुम एक वैम्पायर की बेटी हो, तुम्हें एक इविल नेम ही मिलना चाहिए। ओके मम्मा, बट मम्मा अगर मुझे नहीं मिला तो हम तुम्हें खा जाएंगे। क्या? मुझे जल्दी से अपना टारगेट पूरा करना ही होगा। वो रहा मेरा टारगेट। ए लड़की इधर आ, मैं अब तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ, तुम कौन हो? प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। चुप। लेकिन मैं इस छोटी सी बच्ची को नहीं मार सकती। चलो जाओ यहाँ से, भागो। हाँ दिशा, पता है मुझे चुड़ैल नाम मिला है। I'm so excited। वाह यार, तू तो बहुत लकी है। देखते हैं मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन है। इनको तो मैं गर्दन ही तोड़ देती हूँ। बेटा मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। नहीं प्लीज बेटा। दीक्षा तुम्हें सिंपैथी नहीं करना, बट इनके बच्चे। ठीक है अब जाओ यहाँ से। दीक्षा तुम्हें अपना नाम मिला? ये क्या, तुमने तो अपना टारगेट पूरा ही नहीं किया। वो मम्मा। हाँ एंजल। क्या, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी, अब हम तुम्हें खा जाएंगे। दीक्षा तुमने मेरा बॉयफ्रेंड भुट्टा को देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। हेल्प प्लीज हेल्प, वो लोग मुझे मार डालेंगे। भुट्टा मेरा बॉयफ्रेंड। लगता है इस बिल्डिंग में कोई है जो सबको डराकर मारना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है पुट्टा का कोई पीछा कर रहा था। हेलो दीक्षा, मैं मोंटू। मोंटू, पर तुम तो मर गए थे ना। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें डराकर मारने आया हूँ। ओ दीक्षा चिल्ला रहा है। दीक्षा चिल्ला। रोहन प्लीज दूर हो जाओ, दीक्षा तुम्हारा फेस बहुत क्रीमी लग रहा है। दीक्षा प्लीज इसे दूर चल। रोहन एलिमिनेटेड। दीक्षा मम्मा आप यहाँ पे, मुझे लगा आप चिंकी के साथ हो। दीक्षा तुम किससे बात कर रही हो? मेरे मम्मा के साथ। वहाँ तो कोई भी नहीं है। मजाक मत करो। बेटा मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, आओ मेरे साथ। दीक्षा मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। मैं तुम्हारी मम्मा। दीक्षा दीक्षा मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। दीक्षा दीक्षा इधर आ। दीक्षा एलिमिनेटेड।